मैम कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, दूसरी लहर लगभग कम हो चुकी है और उसके लिए महिलाएं क्या करें क्या ना करें थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता अग्रवाल है। मैं मुरादाबाद में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 एक पैंडमिक के रूप में विश्व में है और पिछले साल इसकी पहली लहर और अब इस साल हम दूसरी लहर से जूझ चुके हैं और भविष्य में इसकी तीसरी लहर आने की भी आशंका बताई जा रही है। इसका जो सबसे प्रभावी और असरदार तरीका है इससे बचाव का, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सारे जितने भी 18 साल से ऊपर के वयस्क हैं और बुज़ुर्ग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसके अलावा हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, 2 गज की दूरी का प्रयोग करें, अननेसेसरी चीज़ों के लिए बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और मास्क काफ़ी प्रभावी तरीके हैं इससे बचने के लिए। यदि हम सब मिलकर इन सब प्रिकॉशंस को यूज़ करेंगे तो ज़रूर ही हम इस पैंडमिक की तीसरी लहर को प्रभावी रूप से रोक पाएंगे या कम कर पाएंगे। मैडम जिनकी ये अगस्त से अक्टूबर तक डिलीवरी भी होनी होगी काफ़ी महिलाओं के लिए, उनके ये समय क्या बचाव करना चाहिए उन्हें? जिनकी डिलीवरी अगस्त से लेकर अक्टूबर में ड्यू है, जो लोग की ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनके लिए वैक्सीनेशन तो अभी इंडिया में नहीं अलाउड है। यूके और यूएस में अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इंडिया में अभी ये डेटा प्रोग्रेस में है तो वो वैक्सीनेशन का ऑप्शन तो नहीं चूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब जैसा कि मैंने बताया, बार बार हाथों को साबुन और पानी से धोएं, अननेसेसरी बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, घर में यदि किसी को कोविड है तो उससे आइसोलेशन में रखें और प्रेग्नेंट महिलाएं उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचें, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ी सी इम्यूनिटी लो होती है तो उन्हें कोविड-19 होने का चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए इन सभी मास्क का इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों से प्रेग्नेंट लेडीज़ भी अपने आप को बचा सकती हैं। जब कोविड-19 अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में हो गया है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें और प्रॉपर दवाइयाँ उनके अकॉर्डिंग की लें। मैम क्या जो अगस्त से अक्टूबर तक डिलीवरी होनी है उनके जो बेबी होने हैं उन पे भी कुछ खतरा मंडरा रहा है? तो 100% कहना तो मुश्किल है कि क्या खतरा मंडराएगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग तो एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में होते हैं, बहुत सारे माइल्ड सिम्टम्स से गुजर के बच जाते हैं, लेकिन जिन लोगों में ये सिवियर है उनमें प्रॉब्लम है। तो अगर माँ का रिस्क माँ खतरे पर है तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली खतरे पर आ जाता है। सेकेंड चीज़ है कि डिपेंड करता है कि माँ का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कैसा है। अगर माँ की इम्यूनिटी अच्छी है और माँ की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अच्छा है तो वो एंटीबॉडीज बच्चे को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा तो मदर के गर्भ में ही है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें और बार बार हाथों को धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और जब डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद तुरंत वैक्सीनेशन प्लान करें। लैक्टेटिंग महिलाओं में वैक्सीनेशन प्रभावी है और उन्हें ज़रूर करवाना चाहिए। थैंक यू।